आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन ने आज जिला सचिवालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की तथा मुख्यमंत्री के नाम अपने मांगों का ज्ञापन सीटीएम को सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी में अधिकांश विधवा महिलाएं लगी हुई हैं, जिनका चूल्हा सरकार से मिलने वाले वेतन से ही चलता है, लेकिन 2 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनके घर का चूल्हा कैसे जले? भारत सरकार द्वारा मिलने वाले भत्ते को भी मिले 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, ऐसे में घर चलाना दूभर हो गया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि सरकार उनसे ज्यादा लेती है और भत्ता कम देती है। उन्होंने महंगाई के मुताबिक कर्मियों को टीए और डीए देने की मांग भी की। सबसे पहला मामला तो है हमारा 40 साल का विभाग हो गया। हर सरकार से उम्मीद रखी और इस सरकार से जो हमें उम्मीद थी उनमें कुछ भी नहीं मिला। हमें अब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला, पहली मांग तो ये थी। उसके बदले आज जो हमारे 4-4, 5-5 महीने तनख्वाह हुए हो गए, कैसे घर चलाएं? जो विडो वेज पे महिलाएं लगी हुई हैं, हेल्पर और वर्कर, तो उनका गुजारा कैसे हो? ठीक है। और न्यूनतम कर्मचारी का जो वेतन होता है 18,000 वर्कर का होना चाहिए, 15,000 हेल्पर का होना चाहिए। इस हमें हर जगह ड्यूटी में लगा दिया जाता है, किसी बीएलओ में कहीं आधार की कहीं इतना सारा काम करने के बाद में हमारे साथ ये व्यवहार है, तो इससे हम क्या उम्मीद करेंगे? कितने महीने का वेतन आपका पेंडिंग है अभी तक? हमारा 5 का सेंटर गवर्नमेंट का तो हमें 5-6 महीने हो गए, जो हमारे 3-3 हजार आते थे वो भी नहीं आ रहे, और हरियाणा सरकार की अभी तक 2 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। तो 2 महीने जब तनख्वाह और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मिला के आपको कितने रुपए मिलता है? अब फिलहाल हमें 7,500 मिलते हैं, जो 640 खट्टर साहब ने बढ़ाया था वो हमारा नई एरियर मिला है, और वो 1 महीने की तनख्वाह लगा के दी है उसको। 2 महीने से वेतन नहीं मिला, आप बता रहे ज्यादातर वीडो है और तो वेतन नहीं मिलता, आखिर घर का खर्चा कैसे चला पाते हैं? तो उसी के लिए तो आज ये रोना रो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं सरकार को है, हमारा 1 तारीख से पहले हमारे खाते में पैसे आने चाहिए, 1 तारीख से 8,000 अगर अभी मांगे नहीं मानी जाती तो आखिर आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा ये तो था जो जिला स्तर पे धरना चल रहा है, और उसके बाद में हम इकट्ठी होके सीएम साहब के भी जाएंगे और रोड जाम करेंगे।